छोटी हाइट वाली क्या हुआ दीदी, ये कैसे पहुंच गया? मैं लकी हूँ क्योंकि मैं आपके साथ पशुपति के दर्शन करने जा रही हूँ, इसलिए मैं लकी फैन रही हूँ। क्राउड कैसा लग रहा है आपको? देखो गाइस, आज बहुत क्राउड है यार। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू विश्व यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज फाइनली सुबह सुबह मैं जा रहा हूँ पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए। क्यों पता है? सुनीता दीदी ने बुलाया है, आपको तो पता होगा सुनीता दीदी। और पता नहीं है तो फिर से मिलाऊंगा यार। चेक चेक। फाइनली पशुपति तो आ गए। दीदी कहाँ पर है? अभी कॉल करना पड़ेगा। आज देखें सुनीता दीदी मिल गए, अभी एक कोने में ना सेल्फी खींच रहे हैं। अभी चुपके जाना होगा ऐसे 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 बोलू क्या रहा को? गाइस देख सकते हो ना, दीदी और मैं साथ में चल रहे हैं पशुपतिनाथ। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती। हाँ दीदी को थोड़ा थोड़ा आती है, सब समझती हूँ। मेरे को आपसे हिड़ने के बहुत अच्छा लगता है। म तिमीसँग पशुपति दर्शन गर्न जाँदैछु, त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। अरे अरे टिका यसो लगाते बाजे बैठते पण्डित सुबह सुबह। और ये है मेन गेट, अंदर जाके दर्शन करना पड़ेगा। मैं तो कितनी लक्की हो गाइस, मैं तो तीन बार आ चुका हूँ पशुपतिनाथ। हाँ तीन बार इसी टाइम। बहुत लकी लोग कैसे होता है? आप भी बहुत लकी हूँ क्योंकि मैं आपके साथ पशुपति के दर्शन करने जा रही हूँ, इसलिए मैं लकी फैन रही हूँ। मैंने मेरे वीडियो में भी बोला मैं बहुत लकी क्योंकि मैं बिग रेजी के साथ दर्शन करने पशुपति जा रही हूँ, इसलिए तुम चलो। ओए होए होए ओए गाइस, ये नंदी धक्का मार दिया यार बाबा जी को। दीदी और मैं आ चुका हूँ मेन गेट में, अब दर्शन करेंगे, उसके बाद सीधे निकलेंगे गाइस। तो गाइस हमने पूरा दर्शन कर दिया दीदी और मैंने, और हम आए गए थोड़ा बाहर दर्शन करके। और गाइस देखकर नजारा, दीदी कैसा लग रहा है आपको पशुपतिनाथ? बहुत अच्छा। मैं इधर 6 साल पे 5-6 साल इधर बैठा, पर इतना मजाली मैंने कभी भी दर्शन नहीं किया। आपने आपके तो तिमीले मलाई सिकाएर जे अनि मलाई चाहिँ मजाले दर्शन गरे है। मैंने अच्छे से दर्शन कर दिए हो नहीं आपने किया है। और क्राउड कैसा लग रहा है आपको? देखो गाइस आज बहुत क्राउड है यार, पर 100% में ना ये जस्ट 20% है, नहीं तो ये फुल 5% है। सावन में आओ, इतना भयंकर भीड़ होता है ना, मतलब इधर ही पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलता, उतना मिलता है। आज भी बहुत भीड़ है ना दीदी? हाँ, बहुत भयंकर। देखो भाई सुबह सुबह और हमने दर्शन कर लिया। देखो मैंने दीदी को कहाँ बैठा है, थोड़ा हाइट पुड़की है ना, छोटी हाइट वाली। चलो जबरदस्त जबरदस्ती उड़ा दिया। तुक 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 तुक। और हम है अभी बागमती नदी के ऊपर दीदी और में। और देखो ये बागमती नदी और पूरा खाली है आज। आज क्यों इतना खाली है दीदी? मुझे भी नहीं पता आज क्यों इतना खाली है, पर ऊपर दर्शन करने में तो बहुत ज़्यादा है, पर इधर बहुत खाली है, पर उधर बहुत भीड़ है। हाँ बहुत भीड़ है। और गाइस पता है आप लोगों को, नाइट का नज़ारा ना बहुत भयंकर देखता है यहाँ पर। क्या है यहाँ आरती होता है? जगह नहीं होता है। हाँ आरती होता है ना, देखने की जगह नहीं होता है। ये इतना भीड़ होता है मैं बता नहीं सकती। हाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होता है गाइस, अभी तो कुछ भी नहीं है। देखो हामी आइसक्यौँ त्यो च्यालेन्ज गर्ने ठाउँमा, अनि दुलो चाहिँ यो छ है त यस प्रकार छ, अनि हाम्रो नाना चाहिँ एकदम रेडी 100% स्योर न? ल 3-2-1 गो। आँखा चिम पुरा ब्लाइन्ड होइन, नसोप्नु, विश्वास छ, 100% बिलिभ छ दिदी हो। कमन यस्तो यहाँको एउटा मान्यता छ, जस्ट यस्तो गरेर त्यो दुलोमा हात छिरायौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने छ होइन। सो म पनि ट्राई गर्न गइरहेको छु। सो लेट्स सी, मेरो चाहिँ फर्स्ट ट्राई है, धेरैचोटि पशुपति आएँ तर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट ट्राई हो। सो 99% स्योर छु, अब 1% त जहिले तलमाथि हुनसक्छ। लेट्स गो। 100% भन्नुभएको छ मलाई त, तर कमन हेर्नु भयो हेर्नु भयो।
भाइको पालो छ अब आम्बो पताए म 100% के स्योर छुइनँ तर पनि भगवान्ले जता देखाउनु हुन्छ त्यतै हो मैले हेरिनँ त हम उधर घुम के आ गए पशुपतिनाथ और हम अभी होटल में खाना साना खा लिया दीदीहरु में दीदी मतलब पठाउ मेरे लिए पठाओ है ना अभी मैं बाइक में जाऊंगा दीदी यहाँ रेस्ट करेंगे दीदी और मैं शाम को मिलेंगे चाय पियेंगे घूमेंगे तो गाइस स्टे ट्यून अभी तो पठाओ में मुझे जाना होगा अपने रूम लोकेशन पर सो दीदी यहाँ पर पठाओ कर रहे हैं आ गए पठाओ भी आ गए दीदी ने कर दिया अब मैं जाऊंगा बाइक में इधर पठाओ चलता है बाइक में बोला था जाना पड़ता है यार बाइक में हमारे उधर तो कई सिस्टम नहीं है नेपाल में पूरा काठमांडू में अवेलेबल है पठाओ का बाय बाय दीदी हैव अ गुड डे सुनिता नाना तो चला गए अपने घर अभी रात को जा रहा हूँ यार दुख हो रहा है सिगन पिने यार आए आसु पिने यार आए यार नरुवा के नरुवा फेरि औछु भर्केर च्या कस्तो बाय मिस यू लॉर्ड देख सकते हो ना हमारा दाई मुझे लेने के लिए आया है हेलो नाना बिग फैन क्या है ये क्या है ये मिले ना मैक्स भी खोल दीजिए यार आने वाला मूवी का स्टार होने वाला है और जो हमारा दाई मुझे लेकर आने वाला है आज तो जाएंगे दाई के घर कल जाएंगे पकोड़ा दीदी आराम से स्टार्ट करो पहले क्या हुआ दीदी ये कैसे फट गया अभी मैं जा रहा हूँ दाई के साथ बेटू थोड़ा आगे करो आपका बैग हाँ अरे दाई चलो चलो दाई को मैं ऐसे क्या हुआ बहन क्या हुआ किसको धमका रहे हो आप किसने नाइट में बाहर निकालने का मजा ही अलग है गाइस काठमांडू में सबसे बहुत पीस होता है ओए 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 आराम से फाइनली आ चुके हैं दाई के घर में अभी पापा को कॉल कर रहे सो गए है ना अंदर लॉक लगा दिया और गाइस आज मैं यहाँ पर रुकूंगा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग कल पोखरा का राइट होगा स्टे ट्यून गाइस कल मिलेंगे पोखरा के राइट फोन नहीं उठाया हम नहीं जाएंगे आप नहीं जाएंगे कहाँ जाना पड़ेगा ठंडे में यही सोना पड़ेगा